ये ऐसे सेवक हैं जो जिनके सिर पे हाथ रखते हैं, दुख दर्द दूर हो जाते हैं जो भी मरीज हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा चमत्कार होने वाले हैं, क्योंकि आज जा रहे हैं हम खाटू श्याम बाबा के दरबार मनोना धाम। और दोस्तों वीडियो के साथ जुड़े रहना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय बाबा की, जय बाबा की। दोस्तों हम इस टाइम मनोना धाम आ चुके हैं, आप देख सकते हो यहाँ भी अब धीरे धीरे काफ़ी भीड़ हो रही है। यहाँ आप दुकानें देख सकते हो, सुबह का टाइम है, अभी 6:30 का टाइम है। दोस्तों ये लाइन से जितने हैं एक एक करके जा रहे हैं और गुरु जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। अभी आपको गुरु जी के दर्शन कराते हैं। हेलो, मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनो, सही से हम तैयार करें, ध्यान से सुने। जो मरीज है, परेशान है, वही अंदर घुसे, मरीज के साथ में स्वस्थ जब घुसे तो वो अच्छी बात नहीं है। उसके साथ में जो परेशान है वो भी रह जाता है, परेशान जो व्यक्ति है वो रह जाता है। आप लोगों को जो बेईमानी के चक्कर में जो स्वस्थ आदमी है वो रह जाता है, और जो बेचारा परेशान है वो रह जाता है। हम खुद देखते हैं कि परेशान आदमी अंदर आ जाए वो बेचारा कोई खड़ा नहीं हो सकता, जो बहुत परेशान है उसको मतलब देना चाहते हैं, पर हमारी मजबूरी, हमने गेट खोला नहीं और दस पीछे घुस गए। हमारा एक सेवादार क्या करेगा, हम दस आदमी इसको धक्का देंगे क्या करेगा, ये सेवादार दस आदमी से क्या करेगा। चार बजे ईमानदारी से सवाल के दरबार में आए, ईमानदारी से आओगे अगर गांव खाते बीमार हो हम अंदर लेंगे, जरूर लेंगे आपको अंदर। मरीज देखे जाएंगे, ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है, देख सकते कितनी ज्यादा है, और गुरुजी अंदर आशीर्वाद परेशान है, हमको अंदर जरूर अंदर लेंगे, और ये लाइन लगी हुई है, दर्शन भी कराएंगे, मेहंदी का आशीर्वाद भी दिलवाएंगे, सारे काम कराएंगे, हम उसको नारे लोग नहीं जाएंगे। पर ऐसा मत करो, श्याम भक्त जितने श्याम भक्त का जय बाबा श्याम, बाबा जी बाहर आए हैं। दोस्तों इस तरफ जो आप देख रहे हो ये सब मरीज हैं, अभी गुरुजी इन्हें आके आशीर्वाद देंगे। ये जितने भी इस तरफ हैं ये सब मरीज हैं, सभी श्याम प्रेमियों और ये वो मरीज हैं जिनसे खड़ा नहीं बजा रहा है, कृपया उसे शादी कर दें हमारी। दोस्तों गुरुजी आ चुके हैं, आप देख सकते हो ये छोटा बच्चा 10 रुपए मंदिर निर्माण में दान बता है, बाबा की मनोकामना पूर्ण करें, जय श्री श्याम। नाम बताइए, आप देख सकते हो सामने गुरुजी खड़े हैं, हमारे भैया मंदिर निर्माण में दान कर रहे हैं, बाबा इनकी मनोकामना। ये ऐसे सेवक हैं जो जिनके सिर पे हाथ रखते हैं, दुख दर्द दूर हो जाते हैं, जो भी मरीज हैं उन्हें आशीर्वाद दे दें तो वो ठीक हो जाते हैं। मंदिर निर्माण में सहयोग कर रही है, बाबा इनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। देख सकते हो गुरु जी कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारी माता सहयोग कर रही है, बाबा इनकी मनोकामना आशीर्वाद दे रहे हैं। सभी श्याम प्रेमियों से निवेदन है कि आशीर्वाद दे रहे हैं, और लाइन काफी बड़ी है।
हमारी बहन जी 20 रुपए का दान देने वाले हैं। बाबा जी को आप दे सकते हो, बाबा जी को भैया 20 रुपए का दान मदद वाले कर रहे हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बाबा जी ने आशीर्वाद हमें भी दे दिया। दोस्तों मैं दोस्तों गुरु जी देखो कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं सबको, संगत को क्योंकि आशीर्वाद देने से सब रोग खत्म हो जाते हैं। गुरु जी किसी को निराश करके नहीं भेजते, सबको खुश करके भेजते हैं। जो भी आता है ठीक होकर जाता है। बाबा इनकी सही मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री श्याम। दोस्तों अभी एक एम्बुलेंस से मरीज आया है, आप देख सकते हो यहाँ जो भी आता है ठीक होकर जाता है। देखो गुरुजी हमारी गाड़ी की तरफ आ गए, आप देख सकते हो। गुरुजी सभी आशीर्वाद दे रहे हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। श्याम प्यारे की जय, महाराज की जय, धाम की जय, हर के सहारे की जय। प्यारे की जय, नीले घोड़े वाले की जय, नेत जी महाराज की जय, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम। दोस्तों कैसे अभी आशीर्वाद दिया हमारे मौसा जी का, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जय श्री श्याम। खाटू नरेश की जय, बोल मनोरा धाम की जय, बोल तीन बाण धारी की जय, बोल श्याम प्यारे की। पवन भाई कुछ ये मनोना धाम के बारे में बताइए आप। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। मनोना धाम यहाँ पे लगातार खाटू श्याम बाबा के आशीर्वाद से चमत्कार हो रहे हैं। अच्छा, और यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ रोज आती है, बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं, पेशेंट आते हैं, एम्बुलेंसों से भी मरीज आते हैं काफी सारे, जो सब जगह से आसमी छोड़ देते हैं वहाँ यहाँ आके उन्हें बड़ा फायदा मिलता है, चमत्कार होता है उनके साथ में। पवन भाई हमने सुना है यहाँ एक बच्ची भी खत्म हो गई थी।
हाँ, जब ये स्टार्टिंग में लॉकडाउन के समय की बात है, यहाँ स्टार्टिंग में एक बच्ची, यहाँ ट्यूबवेल में पीछे ट्यूबवेल है, यहाँ बच्ची गिर गई थी और वो खत्म हो गई थी। अच्छा, गुरुजी के आशीर्वाद से वो लड़की जिंदा भी हुई थी, छोटी बच्ची थी। अच्छा, और उसके बाद से लगातार यहाँ चमत्कार होते जा रहे हैं और बहुत बहुत बड़े चमत्कार यहाँ होते हैं। हमने सुना था आपके ससुर जी भी बहुत बीमार थे। हाँ, मैं उनको लेके आया था तो वो भी, उन्हें 24 घंटे का समय दिया था सबने कि ये नहीं बचेंगे, लेकिन वो आज स्वस्थ हैं और बढ़िया ठीक है। 3 दिन में उनके साथ चमत्कार हुआ था। मैं अक्सर यहाँ पेशेंट लेके आता हूँ, लोगों को यहाँ लाता हूँ, सबको लगभग फायदा भी होता है, और आज भी मैं एक पेशेंट को लेके आया हूँ। गुरु जी ने अपना हाथ रखा और एक मिनट के अंदर ही उनका चला के भी दिखाया। फिर उसके बाद एक और पेशेंट है, गाड़ी में से उतारा उनको, वो जो चल नहीं पा रहे थे उन्हें भी चलाया, वो भी दौड़े थे, बल्कि चलना नहीं दौड़ के गए थे। और गुरु जी का आशीर्वाद रहता है, बाबा का आशीर्वाद रहता है, यहाँ से निराश कोई नहीं लौटता, सभी को यहाँ फायदा होता ही है। यहाँ कैसे आ सकते हैं, इसका एड्रेस क्या है? ये जगह मनोना धाम बरेली आंवला के पास में पड़ती है। अच्छा, यहाँ आंवला जगह है, रेलवे स्टेशन है, ट्रेन से भी अगर आओगे तो आंवले में उतरना होगा, इसके बाद ऑटो से आ सकते हैं। दोस्तों, आपने कैसे देखा बाबा जी के चमत्कारों के बारे में, पवन भाई ने सब कुछ बताया। अभी सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ थी। दोस्तों, इस जगह पे आओ, जो भी मरीज है उन्हें लाओ, बिल्कुल ठीक होके जाओ और विश्वास रखो ठीक होके जाओगे। दोस्तों, आज का ब्लॉग यही खत्म करता हूँ, मिलता हूँ कल एक नए ब्लॉग में। थैंक यू दोस्तों।